फ्रेंड्स, परफेक्ट एकेडमी में आज आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक टॉपिक कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके बारे में पढ़ते हैं, व्हाई डू बी सेपरेशन सब्सटेंसेस। पहले या तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं क्या? सेपरेशन वाला होता है अलग और सब्सटेंसेस वाला होता है पदार्थ। सभी पदार्थों को अलग अलग करना, तो हम पदार्थों को अलग अलग क्यों करते हैं? तो सबसे पहला है सब्सटेंसेस, जो पदार्थ है। ये सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो सब्सटेंस होते हैं एक से अधिक कणों को मिला के बनता है। दिस पार्टिकल कुड बी एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स के पार्ट हैं वो क्या क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं आयरन, वाटर, शुगर, डस्ट। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो सब्सटेंस है। कि देखो, पानी है, पानी भी दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। इसके अंदर होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को मिला के तब एक सब्सटेंस बनता है। एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज ए सब्सटेंस और मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ पाई जाती है वो सारी सब्सटेंस है। अगला मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जिसे बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण वाला दो चीज़ों को जब मिलाया जाता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो ए मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच ईच सब्सटेंस रिटेन्स इज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो जब दो पदार्थ को एक साथ मिला के जो उसकी प्रॉपर्टी पे कोई भी चेंज ना पड़े उसे हम मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, टी लीव कैन बी सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर। देखो, जो हम चाय पीने से पहले चाय में से चाय पत्ती को छान लेते हैं। कि चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि चाय के बनाने के लिए पानी के अंदर चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, जो कि हम उसको एक साथ तो पी नहीं सकते। जैसे चाय पत्ती हम अपने पीते नहीं, सिर्फ उसकी चाय पीते हैं। तो चाय पत्ती को छानने के लिए हम छन्नी का यूज़ करते हैं। मिल्क और कर्ड इज कर्नेड टू सेपरेट द बटर। अब देखो, दूध और दही में से जब मक्खन निकालना हो तो इसके लिए भी एक मेथड होता है जिसे हम सेपरेशन मेथड कहते हैं। अब इसका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है? टू रिमूव नॉन यूजल कंपोनेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे यूज़ में नहीं है कंपोनेंट उसको अलग करने के लिए किया जाता है। टू रिमूव वेस्ट कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सर, और जो वेस्ट पदार्थ है उसको अलग करने के लिए किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं टू रिमूव नॉन यूजेबल कंपोनेंट का, जैसे चाय है, चाय के साथ जो चाय पत्ती है हम उसको यूज़ नहीं करते। चाय जब बन जाती है चाय पत्ती अलग कर देते हैं। इसी तरह वो वेस्ट भी हो जाती है, तो वेस्ट की हुई चीज़ अलग होती है। टू सेपरेशन टू डिफरेंट सब्सटेंस फॉर ईच अदर, दो अलग अलग तरीके से हो सकती है। पहली हैंड पिकिंग और दूसरी थ्रेसिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से उसको अलग अलग करके छाटना। जैसे ये एग्जाम्पल में दिया गया है, ये चावल है, चावल के अंदर से जो कीड़े पड़े होते हैं उसको आराम से हाथ से छाट रहे हैं। ए मैथड और सेपरेशन टू टेक आउट नॉन यूजफुल सब्सटेंस बाय हैंड फ्रॉम द मिक्सचर और सब्सटेंसेस इज नाउ एज हैंड पिकिंग। जब हाथ से कोई भी अलग पदार्थ को जब अलग किया जाता है, जैसे कि जो हमारी यूज में नहीं है उसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पिकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। अब मान लो गेहूँ है, गेहूँ के अंदर हम पे कुछ कंकड़ मिले होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उसको हम हाथ से धीरे धीरे अलग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग करना उसको पीट पीट के अलग करना। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमारा अनाज कट जाता है तो जो ये एग्जाम्पल में देखो, मान लो गेहूँ की फसल है, गेहूँ की फसल जब कट जाती है तो उसके अंदर जो घास है ये हमारे यूज़ में तो है नहीं, उसके अंदर सिर्फ गेहूँ चाहिए होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, पीट पीट को जब अलग करते हैं इसे बोलते हैं थ्रेसिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द एजिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक टू विच इट इज अटैच। देखो, जो हमारे अनाज हैं वो इस स्टॉक से जुड़े होते हैं, जो कि घास से जुड़े होते हैं। तो इसको अलग करने के चार स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स हार्वेस्टिंग द क्रॉप, दूसरा ड्राइंग, तीसरा बीटिंग, चौथा सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन। पहला क्या करेंगे, फसल को काट लेंगे, दूसरा उसको सुखाएंगे, जब ये सूख जाएगा उसको पीट पीट के अनाज को अलग करके और अनाज को इकट्ठा कर लेंगे। अब आता है विनोइंग एंड सेविंग। विनोइंग होता है जब हम अनाज को, मान लो उसमें से निकाल लिया तो ज़मीन पे गिरेगी, तो ज़मीन के अंदर मिट्टी भूसा वूसा सब होगा, तो उसको अलग करने के लिए हम हवा में एक तरह से एक तसले के अंदर अनाज को लेकर ज़मीन पे गिराते हैं और पंखा चलाते हैं, जिससे हल्की चीज़ जो भूसा वूसा है वो दूर उड़ जाए। द मैटर ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड, जब हवा के द्वारा अनाज को अलग किया जाता है उसे हम विनोइंग कहते हैं।
एक क्वेश्चन आता है, फाउंड आउट द प्रोसेस वाई बीच द ड्राई सैंड विद सो डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स कैन बी सेपरेटेड। अब मान लो सूखी मिट्टी को कैसे अलग किया जा सकता है या पत्ते को कैसे अलग किया जा सकता है, तो वो मैथड है विनोइंग का, विनोइंग के द्वारा उसको अलग किया जा सकता है। कि दो सूखी धूल है, जब पंखा चलेगा तो धूल सारी उड़ सकती है, पत्तियाँ भी उड़ सकती हैं, लेकिन जब गीली होती है तो वो उड़ती नहीं है, सीधा ज़मीन पे गिर जाती है, भारी चीज़ हमेशा नीचे की तरफ आती है। उसके स्टेम जो कि छन्नी का यूज़ करके भी हम इसको अलग कर सकते हैं। एक सेविंग इज सैलो वीजल हैविंग स्मॉल होल एट इट्स बॉटम। तो एक बर्तन होता है जिसके नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम छन्नी कहते हैं। सेविंग इज द टेक्निक इन विच टू और मोर कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बेस्ड ऑन देयर साइज। अब देखो ये एक टेक्निक होती है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से छाना जा सकता है। हम मान लो हम आटा छानते हैं तो उसे छोटे होते हैं, लेकिन मान लो जब घर बनता है तो उसमें जब बदरपुट छाना जाता है, रेता छाना जाता है, तो उसके छेद थोड़े बड़े होते हैं जिससे वो रेता आराम से निकल सके और सिर्फ कंकड़ कंकड़ रुक सके। अब उसके आता है सेडिमेशन डेकेशन एंड फिल्ट्रेशन। पहला पॉइंट सेडिमेशन। सेडिमेशन इज द प्रोसेस इन विच द हैवियर कंपोनेंट सेटल एट द बॉटम व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। देखो जो भी भारी चीज़ है जब पानी डालने के बाद वो नीचे की तरफ बैठ जाए तो उसे हम सेडिमेशन कहते हैं। द सोल्ड डेस्ट्यूज विच आर हैवियर सेटल एट द बॉटम, जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगी पानी डालने के बाद। सो दिस टेक्निक इज नॉट सुटेबल फॉर लाइटर इम्प्योरिटीज, इन हल्की चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल लिया हमने पानी और मिट्टी, पानी हल्की होती है मिट्टी भारी होती है, जब पानी एक तरह से रुक जाता है तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे चली जाती है। तो सपोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द वाटर अराउंड अस इज फुली फुल ऑफ मड वी आर फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो हम क्या करते हैं, बारिश के समय में जो पानी होता है उसको हम पीने लायक बना सकते हैं, कैसे, इसका एक प्रोसेस है। सिंस वी हैव मडी वाटर एंड वी नीड टू मडी वाटर ओवर नाइट टू सेटल डाउन। अब देखो जितना भी पानी बारिश का है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे जिससे पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद हम पानी को धीरे धीरे अलग कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट वी नीड टू प्योर ऑफ वाटर स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग मड विच इज एट द बॉटम, जो उसके अंदर मिट्टी है उसको डिस्टर्ब किए बिना धीरे धीरे पानी निकालोगे तो पीने लायक पानी निकल सकता है। उसके बाद है डेकनेशन। डेकनेशन इज द प्रोसेस इन विच द सोइल सॉलिड और एनी इमिसिबल लिक्विड, जो कि इसके अंदर क्या होता है सॉलिड और जो पानी के अंदर नहीं मिल सकता वो चीज़ जब इसको अलग करना हो तो सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड बाय रिमूविंग द लेयर एट द टॉप ऑफ द सॉलिड और इमिसिबल लिक्विड लेयर। तो देखो सॉलिड ऊपर होता है और इमिसिबल भी ऊपर होता है, तो उसको अलग करने के लिए एग्जाम्पल तेल का लेते हैं। तो देखो हमने साफ पानी डाला और ये देखो ये एक तत्व है, सॉलिड लिक्विड है जो कि एक जगह रुक जाएगा, लेकिन कुछ ही लिमिट तक ये रुकता है। अगला हम करते हैं फिल्ट्रेशन पेपर का यूज़, जो कि फिल्टर करता है, ये हमारा फिल्ट्रेशन जो कि फिनल कीप है। द प्रोसेस विच इज़ द यूज टू सेपरेट ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड बाय अलाउइंग द लिक्विड सब्सटेंस टू पास थ्रू द फिल्टरिंग मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर कि आपको पानी में से कुछ कण है जो चले गए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक चुन्नी लेते हैं, चुन्नी पे जब पानी को डाला जाता है तो चुन्नी में से पानी तो पार हो जाता है लेकिन जो छोटे छोटे कण हैं उसी पे वो रुक जाते हैं, जो कि एक तरह से चुन्नी हमारा फिल्ट्रेशन पेपर का काम करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है एवपोरेशन एंड कंडेंसेशन, जो कि लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड बनता है। एवपोरेशन क्या होता है कि एवपोरेशन होता है जो पानी को जो वेपर करते हैं भाप बना के ऊपर भेजे, वो एवपोरेशन है। तो द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज डन बाय एवपोरेशन ऑफ सी वाटर, इससे हम नमक को अलग कर सकते हैं। मान लो धूप की जब रोशनी पड़ती है, देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि पूरा नमक ही नमक है, पानी जब सूख जाता है भाप बन के ऊपर चढ़ा जाता है तो जितना भी उस पानी के अंदर नमक होता है वो एक जगह इकट्ठा होता है, जिससे हम नमक को अलग कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ये रहा, ये भी एक तरह का भाप ही होता है जो गैस से लिक्विड बन जाता है। एग्जाम्पल देते हैं कि हमने फ्रिज के अंदर अपनी पानी की बोतल रखी थी, बर्फ़ जम गई, कुछ समय बाद पानी की बोतल को जब हमने फ्रिज से बाहर निकाला बर्फ़ को, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया, तो हम देखते हैं कि साइड में जो हमारे बर्तन है उस पर पानी की कुछ बूंदें आ जाती हैं, तो क्या हो रहा है कि गैस जितनी भी साइड में चिपकी हुई थी वो सारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो कंसंट्रेशन इज द प्रोसेस
in which the gas converted into liquid. For example, the formation of dew on grass occur because the water vapor get converted into water droplet. तो धीरे धीरे एग्जाम्पल क्या होता है कि घास के ऊपर भी हम देखते हैं कि मान लो रात भर में उस पर पानी की बूंदें आ जाती हैं, तो क्या होता है कि पानी की बूंदें कन्वर्ट हो रही है, गैस कन्वर्ट होकर पानी बनते हैं। नेक्स्ट, कैन वाटर डिसोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो सबसे पहले आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन वह होता है जिसके अंदर दो चीज़ों को मिला के जब नई चीज़ बनती है उसे सोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें है शुगर एंड वाटर। चीनी और पानी को जब मिला दिया जाए तो वो हमारा मीठा पानी बन जाता है जो कि शुगर वाटर हो जाता है। तो ये सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द सॉल्यूट सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वह होता है जिसको हम मिला रहे हैं, जो कम मात्रा में होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल चीनी। चीनी हमारा क्या है? सॉल्यूट है, कि सॉल्यूट हम पानी के अंदर मिला रहे हैं और पानी हमारा सॉल्वेंट है जिसके अंदर घुलता है। तो ए सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस डैट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इन ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर डिसॉल्व इन वाटर द शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट की डेफिनेशन है, इट इज द लिक्विड इन विच ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। जिसके अंदर सॉल्यूट को मिलाया जाता है सॉल्यूशन बनने के लिए, वो सॉल्वेंट कहलाता है। एग्जाम्पल लिया पानी, वाटर हमारा सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह होता है जिसको हम आराम से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एक गिलास के अंदर देखते हैं, सपोज देखो, व्हेन नो मोर सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन द सॉल्यूशन इज सेट टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज वी हैव ए गिलास ऑफ वाटर, वी स्टार्टिंग एड टू सॉल्ट। उसके अंदर हम नमक को मिलाते जा रहे हैं, उस समय तक नमक पूरी तरीके से घुल जाएगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा मात्रा में जब नमक को घोलोगे तो वो नहीं घुलेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज एंड मोर सॉल्यूट कैन बी सॉल्युबल इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्यूशन की मात्रा जब जब बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम सॉल्यूट को बढ़ाएं और सॉल्वेंट को भी बढ़ाते जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ठंडी चीज़ें वो नीचे की तरफ आ जाती है और गर्म चीज़ें ऊपर जाती हैं। धन्यवाद।